हेलो फूडीज, कैसे हो आप सब। मैं वंदना, आज आपके लिए मैं स्पेशल सब्जी लेके आई हूँ जो है भिंडी दो प्याज़ा। मैं हमेशा रेस्टोरेंट जाती हूँ तो ये सब्ज़ी तो मैं खाती ही खाती हूँ, या तो फिर पनीर ढूंढती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में ही ट्राई करूँ ये सब्ज़ी। बहुत ईजी है ये सब्ज़ी बनाना, बस आपको कुछ चीज़ें चाहिए और बहुत कम समय में बहुत आसान तरीके से ये लज़ेदार सब्ज़ी बन जाती है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इस स्पेशल सब्जी के लिए हमने 1/2 kg भिंडी ली है, 1 medium अनियन लिया है, भिंडी को अच्छे से वॉश किया है एंड देन कपड़े से पोंछ लिया। टमेटो लिए 4, उसकी हमने प्योरे बनाने के लिए लिए है। ये भिंडी के इस तरह से चॉप कीजिए, बहुत आसान तरीके से चॉप होती है, जल्दी चॉप होती है। 5-6 से लाइन से रख के टक 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 चॉप कर लिए, मज़ेदार कटती हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। एंड नाउ अब जो हमने अनियन लिए थे ना, उसको 2 portion कर लिए थे, तो 1/2 portion हम फाइन चॉप करेंगे एंड 1/2 portion हम बिग चंक्स में रखेंगे। वो जो फोटो में दिख रहे थे ना, बड़े बड़े चंक्स, यस, जो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, तो इस तरह आप कर लीजिएगा। सो भिंडी इस तरह से चॉप हो चुकी है, अनियंस 2 types में चॉप करिए हैं हमने, प्योरे बना ली है टमाटो की, 4 spoon हमने यहाँ पे कर लिया है, अच्छे से फेंट लिया है एंड 2 red chili ड्राई रेड चिली ली है भिंडी फ्राई करने के लिए। ये मीडियम फ्लेम पे अराउंड हमने 2 tablespoon ऑयल डाला है एंड नाउ जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें जो भिंडी हमने चॉप करके रखी हुई थी हम स्लोली ऐड करते जाएंगे। अराउंड 5 minutes हो गए गाइज, ये पक चुकी है भिंडी इतनी कि हाँ दबने लग जाएगी। तो आप उसको एक किसी भी वेसल में लेके, प्लेट में लेके आप उसको निकाल लें। नाउ भिंडी साइड रख दीजिए। अब हम यही पैन यूज़ करेंगे, इस पैन में हम अराउंड 1 tablespoon ऑयल डालेंगे एंड 1/2 tablespoon जीरा डाल रहे हैं हम एंड 1/2 tablespoon से थोड़ा सा कम हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन प्लीज़ डालिए, ये सब्ज़ी में अजवाइन डालने से इसका टेस्ट मस्त आता है। सो इनको अच्छे से रोस्ट कीजिए, लो मीडियम फ्लेम में रखेंगे तो ये जलेगा नहीं। अराउंड 2 हमने रेड चिली ली है जो मैंने आपको पहले बताई थी, इनको थोड़े देर रोस्ट किया। अब हम इसमें अनियन जो हमने चॉप की थी फाइन चॉप वो डाल रहे हैं। प्रॉपर मिक्स कीजिए, पकने दीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट डालिए ताकि ये जल्दी पक जाए, मिक्स कर लीजिए। अराउंड 3 to 4 minutes हो चुके हैं, ये अनियन पक चुके हैं, देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है एंड नाउ अब हम इसमें एंड मेक श्योर ये जलेंगे नहीं जो मसाले ऐड करेंगे, तो फ्लेम सेट कर लीजिएगा। 1/2 tablespoon हमने हल्दी डाली, 1/2 tablespoon हमने मिर्ची डाली लाल मिर्च एंड 1 tablespoon हरा धनिया पाउडर डाला। आप मिर्ची अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। नाउ जो हमने प्योरे बनाए थे ना टमाटो की, उनको हम स्लोली ऐड ऑन करेंगे, प्रॉपरली मिक्स कर लीजिएगा, मीडियम फ्लेम सेट कर दीजिए एंड पकने दीजिए अच्छे से। सॉल्ट डाल दीजिए, अराउंड 1 tablespoon सॉल्ट डाल दिया हमने, जिंजर गार्लिक ऑप्शनल है गाइस,
अराउंड 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। मिक्स इट प्रॉपरली। टू थ्री मिनट्स बॉईल होने के बाद हम इसमें अराउंड 1/2 टेबल स्पून से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा ग्रेवी में। एंड नाउ टाइम टू ऐड कर्ड। मिक्स इट प्रॉपरली। इसे अराउंड आप 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए दही के साथ ग्रेवी को। सो 5-6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें अराउंड 1/2 टेबल स्पून हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े चंक्स प्याज के काट रखे थे ना, वो अब ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली। इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, अराउंड 3 से 4 मिनट्स तक इनको पकाइए लेट कवर करके। 3-4 मिनट्स के बाद आप चेक कीजिए, या बीच बीच में भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब अराउंड 3-4 मिनट्स हो चुके हैं गाइस, अब चेक करते हैं अनियन पके कि नहीं। हाँ, अब ये टाइम सही है, अब अनियन पक चुके हैं। अब हम जो भिंडी हमने तल के रखे थे, रोस्ट किए थे, वो हम अब इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लीजिएगा प्रॉपरली। एंड इनको अराउंड दोनों मिक्स करने के बाद अराउंड इनको भी 4 मिनट्स तक कुक कीजिए। तो हमने लिड कवर करके अराउंड 1 मिनट तक पकाया, एंड ओपन रख के अराउंड 3 मिनट्स तक पकाया। इससे भिंडी काली नहीं होगी, हरी की हरी रहेगी। सो 4 मिनट के बाद आपने जो भिंडी दो प्याज़ा बनाई है, इस तरह की दिखेगी ये भिंडी दो प्याज़ा। कितना मस्त कलर आया है, एकदम सुंदर सुंदर दिख रही है, टैम्पटिंग दिख रही है। खाइए इसको पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, या पराठे के साथ, या तंदूरी रोटी के साथ, बड़ा मज़ा आएगा। गरम गरम कुरकुरी कुरकुरी हरी हरी भिंडी दो प्याज़ा बनाइए, खाइए, खिलाइए। और पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, इन्जॉय।